नहीं मिल रहे हैं उनको। 450 वर्ष से लंबा इंतजार, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो कल तक एक क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए, जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाएं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके के मंदिरों में साफ सफाई भी करें, पूजा पाठ भी करें, राम जी का गुणगान भी करें और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उन सभी लोगों का जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। कई तो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया भी है, कुछ ऐसे जिन्होंने जीवन खपा दिया भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो ये दिन आया है जब आस्था के केंद्र बना है और उसके आसपास बहुत सुंदर आधारभूत ढांचा, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन, एक नया एयरपोर्ट जो भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे समर्पित किया गया है, और अयोध्या धाम में वो सुविधाएं होंगी जो आधुनिक भी होंगी, आरामदायक भी होंगी और आस्था के केंद्र को अध्यात्म का केंद्र बनाने में भी और बल मिलेगा। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार। कभी भारत मदद मांगने वालों में था, आज मदद देने वालों में बना है। चाहे ऑपरेशन गंगा हो, ऑपरेशन दोस्त हो या अन्य ऐसे ऑपरेशन चले जहाँ पर विदेशों से भी भारतीयों को बचाकर निकाला गया और जिसकी भी मुश्किल में कोई विदेश में भी रहा उसको भी निकालने का काम, मदद करने का मोदी सरकार ने किया, अब भी करें।